आठ साल हो गए लेकिन नाम की मात्र कॉलेज है, कोई सुविधा नाम की कोई चीज ही नहीं है यहाँ पर। आजकल तो मारवाड़ी का बताइए, घर बैठी रहो भाई, यहाँ रोटियां बनो बस। हमारी कॉलेज यहाँ पर है, फिर एग्जाम कहीं और देते हैं। लेकर हमारे महाविद्यालय की मांगों को लेकर पिछले 5 दिनों से हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं। हमारा साथ मुकेश जो अभी भूख हड़ताल पे 5 दिन से है, और हम सरकार को बार बार ज्ञापन के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से चेताने का काम किया है। नहीं हो रही है तभी तो हम इन मांगों के लिए यहाँ बैठे हैं। लड़के लोग तो बाहर जा सकते हैं, और लड़कियों को इतना अलाउ नहीं करते, आप लोगों को भी पता है, और गांव वालों को तो बिल्कुल नहीं भेजते हैं। पहले तो हमारी मांग है छात्र संघ चुनाव बहाल हो, उसके अंतर्गत हमने ये 5 सूत्री मांगे भी हमारी रखी है कि कॉलेज इसीलिए यहाँ पे खुल जाएगी तो सब लड़कियों के लिए सुविधा हो जाएगी। ये लोग हमारे लिए ही कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खट्टा गांव में ममता आप सभी के साथ। इस वक्त हम खीमसर के राजकीय पीजी महाविद्यालय के मेन गेट पे मौजूद है, और यहाँ पर इस महाविद्यालय के छात्र जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर बैठे हैं। आए उनसे जानते हैं किस चीज़ के लिए इनका ये प्रदर्शन है और कब से है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश सिन्हानिया है। कितने दिन से आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं, पूरे छात्र छात्राएं? हम 5 दिन से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। क्यों भूख हड़ताल, किस कारण से? हमारी 5 सूत्री मांगे है BSc को लेकर, MMA सब्जेक्ट, स्मार्ट लाइब्रेरी, और यहाँ परीक्षा सेंटर होना चाहिए रनिंग ट्रैक के लिए। अच्छा, कॉलेज इसको यहाँ पर बने कितना टाइम हो गया है? 8 साल हो गए। 8 साल हो गए। 8 साल हो गए लेकिन नाम की मात्र कॉलेज है, कोई सुविधा नाम की कोई चीज़ ही नहीं है यहाँ पर। कितने लगभग स्टूडेंट्स यहाँ? 1000 से प्लस है। क्यों सर की मतलब यही गवर्नमेंट कॉलेज? हाँ, बड़ी गवर्नमेंट कॉलेज यही है। हाँ, और बाकी गर्ल्स कॉलेज भी है, वो भी यही चल रही है अभी तक। अच्छा, कौन से आप कौन से कोर्स में हो, क्या पढ़ाई करते हो यहाँ से? हम आर्ट्स में है। अच्छा, बीए? हाँ, बीए। फर्स्ट ईयर सब? सेकेंड ईयर। अच्छा, क्या समस्या है आपकी बैठे आप लोग? हमारी वही 5 सूत्री मांगे पूरी नहीं हुई अभी तक, बनवाना वगैरह। अच्छा, यहाँ पर सेंटर नहीं है? हाँ, देव जाते हैं यहाँ पर, 25 से 20 किलोमीटर दूर है। टाइम पर हमारी कॉलेज यहाँ पर है, फिर एग्जाम कहीं और देते हैं यही। अच्छा, कभी मतलब आपने किसी से बोला और मतलब को किसी ने सुनी आपकी बात? नहीं सुनी, नहीं इसलिए तो नहीं सुनी, तभी तो आज यहाँ पर बैठे हैं हम लोग। अच्छा, बताओ आपके अंदर और सिस्टम कैसा है पढ़ाई वढ़ाई, क्या क्लासे वगैरह होती है? क्लासें तो होती है पर हमारी मांगे नहीं सुन रही है, सुनते हैं। अच्छा, आपने ये क्या लिखा है कि यहाँ पर BSc विषय खुलवाने के लिए, मतलब BSc होती है क्या यहाँ से? नहीं होती है। अच्छा, BSc यहाँ से नहीं होती? नहीं हो रही है तभी तो हम इन मांगों के लिए यहाँ बैठे हैं। लड़के लोग तो बाहर जा सकते हैं, और लड़कियों को इतना अलाउ नहीं करते, आप लोगों को भी पता है, और गांव वालों को तो बिल्कुल नहीं भेजते हैं। अच्छा, आप लोग को बाहर जाने के लिए अलाउ नहीं? हाँ, इसीलिए यहाँ पे खुल जाएगी तो सब लड़कियों के लिए सुविधा हो जाएगी। ये लोग हमारे लिए ही कर रहे हैं, हम इसलिए बैठे हैं। अच्छा, तो मतलब जो BSc करना चाहे यहाँ इस गांव का आसपास के, तो बस इसी कारण क्या है कि MMA इकोनॉमिक सब्जेक्ट के लिए, उसी के अगर ये सब्जेक्ट नहीं हो रहे हैं तो लड़कियां बाहर उनको अलाउ नहीं कर रहे, तो वो घर पे बैठी है, तो उनके लिए यही है कि भाई यहाँ पे ये सब्जेक्ट खोला जाए, ये सब्जेक्ट शुरू किया जाए, तो लड़कियाँ यहाँ आना स्टार्ट हो जाए। गाँव वाले यहाँ तो भेजेंगे ही भेजेंगे भाई, नागौर तो नहीं भेज सकते, और देव है, हम देव एग्जाम देने जाते हैं, ओनली एक बस जाती है, अगर वो मिस हो जाए तो भाई घर वाले, तो कोई के घर वाले लेके जाए, कोई के नहीं लेके जाए। वो आजकल तो मारवाड़ी का बताइए, घर बैठी रहो भाई, यहाँ रोटियाँ बनो बस। आप बोलते नहीं हो कि घर क्यों ही बैठना है? अरे हमारे घर में ऐसे नहीं, काफी के घरों में यही है, भाइयों ने ये सुना है तभी यहाँ बैठे हैं भाई। अच्छा, क्या लगता है भाई क्या बोल रहे हैं ये कि लड़कियों को ऐसे बोलते हैं, अलाउ नहीं? हाँ, वो सही है, हमारे गांव में ऐसा ही चल रहा है, जहाँ बेटियों को शहर में केवल पढ़ने के लिए भेजते हैं, लेकिन यहाँ से 45 किलोमीटर दूर परीक्षा देने जा रहे हैं, दुर्घटना हो रही है। पिछली बार भी परीक्षा में 7-8 घटना हुई, उसमें ज़्यादा चोट भी आई, 2-4 को नागौर रेफर भी किया था। ये सबसे बड़ी परीक्षा सेंटर और BSc की भी बड़ी समस्या है हमारे। अच्छा, बिल्कुल, और क्या मांगे अभी छात्र संघ चुनाव को लेकर के भी है आपका? बिल्कुल, पूरे प्रदेश में छात्र संघ चुनाव को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। हम भी यहाँ मांग कर रहे हैं छात्र संघ चुनाव को लेकर, हमारे महाविद्यालय की मांगों को लेकर पिछले 5 दिनों से हम भूख हड़ताल पे बैठे हैं। हमारा साथ मुकेश जो अभी भूख हड़ताल पे 5 दिन से है, और हम सरकार को बार बार ज्ञापन के माध्यम से, प्रदर्शन के माध्यम से चेताने का काम किया है, फिर भी हमारी मांगों पर सहमति नहीं बनी। उपखंड अधिकारी कल यहाँ आके गया, कोई सकारात्मक वार्ता हमारे बीच नहीं हुई। हम बैठे हैं, लड़ेंगे जब तक लड़ने की जरूरत बाकी है, निश्चित तौर पे हम यहाँ से उठने वाले नहीं हैं।
जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाती। अच्छा, आपके नागौर से सांसद है हनुमान बेनीवाल, वहाँ तक बात पहुँचाई आपने? हाँ बिल्कुल पहुँचाई है, सांसद साहब आएंगे। आएंगे, उन्होंने बोला है? बिल्कुल आश्वासन दिया है, आएंगे। अच्छा, क्योंकि हनुमान बेनीवाल के लिए हमेशा यहाँ की वो क्षेत्र के लिए तैयार रहते हैं और खींवसर ही है तो उनका अपना विधानसभा क्षेत्र भी रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आएंगे। अच्छा, अभी छात्र संघ चुनाव के लिए अलग जगह आंदोलन हो रहे हैं पूरे राजस्थान में, अगर बात करें तो यहाँ से कुछ छात्र है वो पैदल यात्रा भी निकाल रहे हैं। हाँ, वो अभी राजस्थान विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि शुभम रेवाड़ आए थे, वो पद यात्रा कर रहे हैं, हमें मिलकर गए हम। सब लोग भी चाहते हैं कि चुनाव, हम ये चाहते हैं राज्य के पीछे। महाविद्यालय खींवसर को खुले हुए 8 साल हो गए, उसके अंदर कोई सुविधा नहीं है, हर टाइम कोई भी चीज़ हो तो या नागौर जाए परीक्षा सेंटर दे हुए हैं, वहाँ देव जाना पड़ता है। हम लड़कों को तो कैसे भी करके चले जाते हैं, लड़कियों को भेजते नहीं है। विशेष तौर से गांव से वो जो आती हैं उनके माता पिता ये नहीं चाहते हैं कि वहाँ जाएँ, कोई घटना हो, ये सुविधा यहाँ ही हो। इसीलिए तो ये कॉलेज है, इसमें परीक्षा सेंटर होना चाहिए, हमारी मांग है। एक मांग है बीएससी की, जो बीएससी होनी चाहिए, क्योंकि बीएससी ये यहाँ 8 से 1 ही सब्जेक्ट है। दूसरे सब्जेक्ट के लिए बीएससी बीए करते हैं, बीकॉम करते हैं तो वो उसको नागौर या जोधपुर जयपुर जाना पड़ता है, वो भी है। एक एमएम है, अर्थशास्त्र सब्जेक्ट होना चाहिए, वो मांग है। एक रनिंग ट्रेन की मांग है और एक हमारी लाइब्रेरी की मांग है, जो लाइब्रेरी स्मार्ट लाइब्रेरी होनी चाहिए। और भी यहाँ जो एक छात्र संघ चुनाव का मुद्दा है वो भी हम उठा रहे हैं, क्योंकि छात्र संघ चुनाव यहाँ से ही लोग आगे पहुँचते हैं, यही सीढ़ी है पहली की, मतलब राजनीति का पहली सीढ़ी यही है, यहाँ से ही शुरुआत होती है। जैसे हमारे भाई आर्यू से हैं शुभम जी रेवाड़, वो भी पद यात्रा कर रहे हैं, उन्होंने भी हमारे यहाँ आए थे, आके हमको आश्वासन दिया कि हम आपकी मांगें भी आगे पहुँचाएँगे। और जो वो 1500 किलोमीटर की पैदल यात्रा कर रहे हैं उनको भी शुभकामनाएं देते हैं कि अच्छा। तो अभी चुनाव यहाँ खींवसर में भी तो उपचुनाव है ना विधानसभा के, आप तो सब स्टूडेंट है, राजनीति में तो इंटरेस्ट बिल्कुल लेते ही लेते है, तो क्या लगता है यहाँ पर? हमारे ये लगता है कि उपचुनाव के अंदर अभी तो कोई कैंडिडेट फाइनल हुआ नहीं, जो जैसे भी कैंडिडेट होगा उसके आधार पर होगा। यहाँ एक हनुमान जी बेनीवाल है, उनका ज़्यादा प्रभाव रहता है, उनका क्षेत्र है, और वो भी वो अभी सांसद बने, उसकी उसकी जगह ये सीट खाली हुई है, उसके ऊपर उपचुनाव होंगे। अभी कैंडिडेट कौन आएगा, क्या होगा, आगे की रणनीति वो दे। बिल्कुल, आप क्या कहेंगे, विधानसभा चुनाव भी आ रहे हैं इधर, विधानसभा चुनाव में हनुमान जी बेनीवाल का ज़्यादा प्रभाव है, ज़्यादा प्रभाव है। हाँ, क्या मतलब बीजेपी की और आरएलपी की टक्कर रहेगी? यहाँ बीजेपी आरएलपी की बहुत टक्कर रहेगी जोरदार, अगर वो कांग्रेस के साथ गठबंधन नहीं करते हैं तो। नहीं, हनुमान जी का बेनीवाल मेन प्रभाव, हनुमान जी बेनीवाल का ही है, कांग्रेस का यहाँ कोई नामो निशान नहीं है। अच्छा, उनका प्रभाव? हाँ, मेन हनुमान जी बेनीवाल का प्रभाव यहाँ क्यों में, और इसी कारण आरएलपी की जीत होगी। बीजेपी से? बीजेपी से हैं कैंडिडेट धनंजय सिंह जी, धनंजय सिंह जी हैं, तो मतलब लोग मौका दे सकते हैं। हाँ, उनको मौका मिले। डॉक्टर हापूराम चौधरी को जानते हैं? उनका भी नाम आ रहा है। उनका नाम आ रहा है पर उनका इतना प्रभाव नहीं है, उनको ज्यादा नहीं जानते इतना कोई। अच्छा, उनको इतना नहीं जानते, और भी लोग हैं हमारे साथ उनसे जुड़ना चाहेंगे। बताए भैया क्या माहौल है यहाँ का उपचुनाव? माहौल तो हनुमान बेनीवाल का ही है। अच्छा, और किसी का नहीं है क्या? और दैट अभी कौन बोले, क्यों नंबर ही कौन लगे, अभी क्यों नंबर क्यों नहीं लगता? उनका विकास है, उनका हर आदमी से टच है वो। अच्छा, कोई आदमी विकास बोलता है। आप गए हैं तो उधर कल इंटरव्यू लेने के लिए गए तो आपने देखा था सड़कें अड़कें हर रोड। हमने तो देखा, हम तो पूरे जगह नहीं घूम पाते, लेकिन कल आप घूमे थे पांचोड़ी साइड में, उस साइड में तो आपको विकास तो देखा ही है, और हर आदमी से टच है वो, यही है उनका, इसलिए वो आ रहे हैं। इसके लिए उधर तो नहीं, नहीं मतलब है, बताइए आप। मतलब हम पिछले 5 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हैं। जैसे सबसे पहले तो हमारी मांग है छात्र संघ चुनाव बहाल हो, उसके अंतर्गत हमने ये 5 सूत्री मांगे भी हमारी रखी है कि कॉलेज हमारी जो पिछले 7-8 सालों से यहाँ संचालित हो रही है पर दुर्भाग्यपूर्ण अभी तक हमें परीक्षा केंद्र नहीं दिया, और साथ ही 1000 विद्यार्थी के ऊपर हो गए हैं पर अभी तक बीएससी की फैकल्टी नहीं दी, जिसके तहत छात्रों को अन्य महाविद्यालय में जाना पड़ता है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र होने के कारण माँ बाप दूसरे विद्यालय में भेजते नहीं है। और दूसरी चौथी मांग है हमारी कि बीसीए एमएमए नए शास्त्र की सब्जेक्ट जोड़ा जाए, और रनिंग ट्रैक और लाइब्रेरी की हो। अच्छा, आपका क्या नाम है? नरेश मुंडेल। अच्छा, आप छात्र प्रतिनिधि? हाँ।
पाँच दिन से आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, लगातार बैठे हैं। आगे कब तक क्या लगता है मांगे? जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक हम बैठे रहेंगे, नहीं हटेंगे यहाँ से। हाँ, नहीं हटेंगे। अच्छा, धरने करने मतलब स्टूडेंट हमेशा करते आए हैं, फिर भी आपका कोई ऐसे आइडल हो, क्योंकि आपके यहाँ से जो विधायक रहे हैं, सांसद भी उसी छात्र राजनीति से आए हैं। हाँ, तो बैठे हैं और हमें उम्मीद है कि वो हमारी ओर ध्यान देंगे और हमारी मांगों पर अमल करेंगे और मांगे जल्दी मानेंगे। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ स्टूडेंट किंगसर पीजी महाविद्यालय के, जो यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर के बैठे हैं, जिनके इनकी जो बीएससी की क्लासे है वो शुरू करवाने के लिए, कॉलेज के और भी अन्य जो मांगे हैं, जैसे कि गर्ल्स के लिए यहाँ से बाहर पढ़ने के लिए अलाउ नहीं होता है, अगर यहीं पे हो जाए तो वो लोग आसानी से पढ़ जाएंगे, और साथ ही जो छात्र संघ चुनाव पूरे प्रदेश भर में चल रहा है तो उस मुद्दे को लेकर भी कहीं ना कहीं ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं।